सबसे त्रासदीय संक्रमण कोरोना को लेकर दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में शनिवार को वैक्सीन ट्रायल रन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। यह ट्रायल रन पटना के 3 जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें दानापुर, फुलवारी शरीफ और शास्त्री नगर को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यह एक मॉक ड्रिल है, जिससे ये देखा जा रहा है कि जब वैक्सीन आ जाएगा तब किस किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार के हर जिले के लिए ट्रायल रन की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग टीम पूरी तत्परता के साथ इस चुनौती को ले रही है। ये आज बेसिकली ये पूरे देश में ड्राई रन किया जा रहा है, सभी राज्यों में, और बिहार राज्य में ओरिजिनली पटना के 3 जगहों पर प्लानिंग, और दानापुर में हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद फुलवारी जाएंगे। कब तक जनता के बीच ये आने की संभावनाएं हैं सर? इस प्रश्न का ना आपके पास उत्तर है ना मेरे पास है, तो ये तो इट्स ऑल इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन। जब भी घोषणा होगी आप सबको पहले मालूम चल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। बिहार में वैक्सीन आने के पहले स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने कहा कि वैक्सीन किस तरह से दिया जाएगा इसका भी निरीक्षण बारीकी से किया जा रहा है, साथ ही कहां पर किस तरह से कैसे लोगों को बैठाया जाएगा और कैसे वैक्सीन दिलाने के लिए लोगों को शामिल किया जाएगा इसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और उसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। प्रथम चरण के वैक्सीन में शामिल होने के बाद ही दूसरे फेज में आम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।